नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग भारत की जनता। मैं शांतवरा मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी बेडरूम में। मैं बाद में कुछ देर बाद उठी तो मैंने देखा कि मेरा भाई किचन को बहुत क्लीन कर दिया, कुछ बर्तन थे उसको साफ कर दिया। तो ये चीज देख के बहुत अच्छी लगी क्योंकि मम्मी ने हमेशा बचपन से एक चीज सिखाई है कि कुछ लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई बेटा बेटे नहीं। हम लोग हमेशा ये चीज सीखी हमने कि यार हम सब इक्वल है। तो भाई के अंदर ये भेदभाव नहीं है कि मैं लड़का हूं तो मैं ये काम नहीं करूंगा, तो लड़की है तो ये काम नहीं करेगी। नहीं, हम लोग के अंदर वो चीज है कि हम सब इक्वल है और हम सबको मिलके काम करना है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी है। बहुत छोटी सी बात पर ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारी देश की जनता और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कि यार हमेशा लड़की अगर कुछ काम में बिजी है तो लड़के को वो काम कर देना चाहिए जो एक लड़की करती है, या फिर लड़का बिजी है तो लड़की को भी वो काम कर देना चाहिए, अगर वो कर सकती है तो उसको बिल्कुल कर देना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे भाई ने क्या काम किया है और दिन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, साथ में रहिएगा। ये पूरे बर्तन क्लीन हो गए हैं और आई ने कर दिया है, वो अच्छा लगा देख के। गाइस, सबसे पहले हम करेंगे घर की सफाई, तो मैं शुरू करती हूँ सफाई करना। आज ड्यूटी मेरी है सफाई करने की, हम सब की ड्यूटी ऐसे बटी हुई है। हमारे घर के बाहर का नज़ारा है जो बहुत ही सुंदर है, और ये मेरे प्यारे प्यारे नन्हे से प्लांट्स। तो घर की सफाई हो चुकी है, अब मैं पी रही हूँ पानी। वैसे मुझे पर्सनली ग्लास से पानी पीना ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग बॉटल से पीते हैं। एक्चुअली मेरे कुछ लोग की बात नहीं, मेरे घर में मेरे भाई बहन ही बॉटल से पीते हैं, बॉटल रख लेंगे भर के और उसको दिन भर पीते रहते हैं। बट मुझे पर्सनली ग्लास से पीना पसंद है। पानी मैं कम पीती हूँ, थोड़ा पानी पीना भी एक हैबिट में लाना है, बहुत कम पीती हूँ। और गाइज, मेरा बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया है तो मुझे अपना फैट भी कम करना है। 30 डेज चैलेंज सोच रही हूँ पर मेरा अंदर से नहीं आ रहा कि ठंड आने वाली है, और ठंड में एकदम बस ऐसा लगता है कि ब्लैंकेट और आराम। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ मतलब अपना हेल्थ कम करने, क्योंकि मैं 2019 तक आप बिलीव नहीं करूँगा मेरा वेट था 43 kg, अब ऐसे वो इंक्रीज हुआ कि वो 58 पहुँच चुका है। अब मुझे कम करना है, कब से सोच रही हूँ। अभी गरबा किया था तो थोड़ा बहुत मतलब हाफ के जी 1 kg कम हुआ होगा, मैंने अभी देखा नहीं पर मुझे लगता है। उसके अलावा तो मेरा वेट कुछ भी कम नहीं हुआ, तो मुझे वेट कम करना है क्योंकि मुझे थोड़ा स्लिम रहना है। स्लिम रहने से अच्छा लगता है, हेल्थ अच्छी रहती है आपकी। क्योंकि मेरा फैट सिर्फ बढ़ा है ना, उसमें मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं हेल्दी फैट बढ़ा है, वो अननेसेसरी फैट बढ़ा है जो कि जंक फूड खा खा के, तो मुझे वो थोड़ा ठीक करना है। तो वो मैं एज सून एज पॉसिबल शुरू करूंगी और आपको दिखाऊंगी। अभी घर पे हो गई है क्लीनिंग, अब मैं जा रही हूँ नहा के पूजा करने। पूजा करते हैं और कुछ करते हैं ज्ञान की बातें, अभी चलते हैं नहाने। नमस्कार मेरे YouTube फैमिली, तो मैं एक बहुत मजेदार बात बताने जा रही हूँ। मेरा भाई एक बार क्या बोल दिया, भाई तू दाल बहुत अच्छी बनाता है। मेरा भाई जब जब खाना बनाएगा तो अपने हाथ की दाल और अपने हाथ की चावल, मैं पागल हो गई थी कागज में। बोले भाई मेरे माफ कर, किस मुहूर्त में और मैंने क्यों ये बात बोली, मुझे इस बात का बहुत दुख है, पर भाई हमको बख्श दे, अब बस दाल चावल बनाना छोड़ दे। मैंने अपनी छोटी बहन का पैर पकड़ के बोला, बहन तू मेरे दर्द को समझ और प्लीज तू भुजिया बना दे, तू कुछ कुछ के साथ सब्जी बना दे, मैं नहीं खा पाऊंगी दाल चावल। तो मेरा भाई होता है, मैंने सब्जी बना दी, मैं उसका पैर पकड़ ली, मैं बोली मेरा भाई थैंक यू सो मच, तूने साथ में गुड इवनिंग। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैंने घर की कर ली है सारी आरती। वैसे आज दिन थोड़ा बोरिंग था, काम काम और सिर्फ काम था, तो मैंने आरती कर ली है और अभी जा रहे हैं कुछ कॉफी या चाय पीने के लिए।
गाइस, हम दोनों बहनें बहुत हो रहे थे बोर, तो हमने सोचा हम क्या करें। हमारा छोटा भाई फोन पे लगा हुआ था, हम उसके पास बैठने की कोशिश किए शाम की चाय के साथ कि चलो कुछ बात करते करते, पर बहुत इधर वेट करने के बाद भी भाई के मुंह से कुछ नहीं निकला। तो हमने प्लान किया कि हम बनाते हैं क्या, ब्रेड रोल। तेज से बोलिए, जनता सुनाएंगे। ब्रेड रोल, ब्रेड रोल, ये हमारी मम्मी ने हमको बचपन से सिखाया है, ये हमारे बचपन का चाइल्डहुड फेवरेट स्नैक्स कह सकते हैं आप। तो हम वो बनाएंगे, साथ साथ आपको रेसिपी दिखाएंगे। आज की जनरेशन में फोन पे बिजी रहना बहुत ही कॉमन बात है और जरूरी भी है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। तो चलते हैं और बनाते हैं और आपको दिखाएंगे साथ साथ अपनी रेसिपी। कल मेरी बहन ने यही पहना था और आज भी उसने यही पहना, क्योंकि वो आज नहाई नहीं है, सुबह से हो गई है रात। मैं बोल रही हूँ नहा ले नहा ले, पर उसने नहाया नहीं है। तो लेट्स सी वो कब नहाती, आज नहा पाएगी या नहीं नहा पाएगी। करते हैं बात, दिखाते हैं आपको डिश। ये है मेरी छोटी बहन, बैठ गई है सदमे में, क्योंकि अभी वो लेके आई कुछ सामान हमने जो ब्लिंकिट से मंगवाया था। तो ये बेहोशी की हालत है, चार सीढ़ियां चढ़ के मेरी बहन की हालत ऐसी हो जाती है। तीन फ्लोर में चार सीढ़ियां। ले लिया है आलू, जो उबले आलू है उसको छील लिया है, साथ में डाली है पतली धनिया मिर्च काट के, और डाली है मिर्ची। अब इसमें मिलाऊंगी मैं कुछ मसाले, जैसे कि मैं मिलाऊंगी इसमें नमक और जिंजर, सॉरी नमक और जिंजर और गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट। उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। फ्राई करने के बाद थोड़े ऊपर से मसाले डालेंगे और साथ साथ मैं आपको दिखाते जाऊंगी। पहले इसको मैं अच्छे से पूरा मैश कर लूंगी। इसके बाद गाइस हम बनाना शुरू कर दिए हैं, और ये मैंने पूरा तैयार कर लिया आलू का मसाला। इसमें डाला है हरी मिर्च और डाला है इसमें आपका धनिया पत्ती और इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। मेरी बहन यहाँ पे काट रही है अनियन, और उसके अलावा हमने लिया है मसाले में धनिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और लिया है हल्दी। तो प्याज हो जाएगा कटने के बाद, हम बनाएंगे ये मसाला कढ़ाई में। तो आज की तरह खबर है कि मेरी बहन बना रही है, ये देखिए ब्रेड रोल, आराम से बर्तन को पटकी। अदरवाइज मेरा कैमरा बहुत मुश्किल से सेट है और वो कहीं आवाज से गिर ना जाए बल खा कर। तो अब हम बना चुके हैं मसाला, क्या खुशबू आ रही है देखिए। इसको स्टफिंग करेंगे, और ये मेरी बहन ने पूरे कट कर लिए हैं ब्रेड के आजू बाजू से सारे लेयर्स, और अब हम बनाएंगे। मेरे भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके लिए मैं अपना गेट लगा रही हूँ किचन का। चलिए बहन कुछ तो बोलिए, देखिए इसने कपड़े बदल लिए, नहाई नहीं है, नहाई गाइस नहा लिए। पहले हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो कढ़ाई में डाला हुआ तेल है वो गर्म हो जाए। तो हम कैसे चेक करते हैं, हमारे घर का एक रिवाज है कि हम उस पे कुछ थोड़ा सा तिनका डाल के, जो हम बनाने जा रहे हैं उसको डाल के चेक करते हैं। अगर वो हो गया तो उसको थोड़ा सा निकाल देंगे, उसके बाद ही उसमें कुछ बड़ा तिनका डालेंगे। निकालिए उसको, निकालिए मूर्ख। तो बनाते हैं रेसिपी और आपको दिखाते हैं कैसी बनी है छोटी बहन। और ये खाने में आग नहीं, खाना बना रही है। और ये पहले हमारा प्रोसेस क्या है आप समझ लीजिए। अभी मेरी बहन ये देखिए, पहले ब्रेड को ना पानी की प्लेट में, क्या पानी की प्लेट में पानी डालेंगे, भिगोएंगे और डुबोएंगे, उसके बाद अपने ब्रेड को सुखाएंगे हाथ से दबा दबा के, और उसके बाद उसमें डालेंगे हम जो स्टफिंग बना के रखी है ये, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे और इसकी गोली बना के, और इसे हम डालेंगे खौलते हुए तेल के अंदर। जैसे कि ये वाला ब्रेड रोल हमारा बन चुका है, जल भी रहा है और वो जल भी रहा है। लेट्स सी, मम्मी से पूछ यार। देखिए बिना माँ के किसी बच्चों का काम होता है क्या, एट द एंड माँ ही आ जाती है। रुकिए मैं अपनी मम्मा कॉल कर लेती हूँ। लाखों और अरबों और
करोड़ों कोशिश के बाद भी हम आपको नहीं समझा पाए कि हम क्या रेसिपी बना रहे हैं। अगर आप समझ गए इस रेसिपी को तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। हर बार हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा बना सकते हैं पर हम नहीं बना पा रहे हैं। अपने भाई को भी टेस्ट कराएंगे, वो सौ तरीके का नुक्स मारेगा, इसमें ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है। लेट्स चेक कैसा लगता है। बहुत कोशिशों के बाद बहुत अच्छा बना था, आप इसकी शक्ल पे मत जाइएगा। आज का दिन हमारा बनाओ और खाओ वाला था। आज हमने पूरे दिन यही किया, कुछ ना कुछ बनाया और खाया। और अभी मैं बहुत एक्साइटिंग चीज करने जा रही हूँ, वो है मेरी फेवरेट मूवी 90s की कुछ कुछ होता है देखने के लिए। दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, तो वो मैं देखने जा रही हूँ। जो भी 90s के बच्चे होंगे सारे रिलेट कर पाएंगे इस मूवी से। तो करते हैं अपना डे एंड, आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे अपने एक नया ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।